हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पटवारी भर्ती को लेकर एक नया अपडेट आया है और अभी अभी का नया अपडेट है, और यह अपडेट हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शायद इस अपडेट के बाद हमें लगता है कि हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिलने वाली है। जिन्होंने ईमानदारी से इस परीक्षा को पास किया है, क्वालिफाई किया है, उनको तो ज्वाइनिंग मिलना ही चाहिए, क्योंकि जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है और उनके साथ ही गलत होना चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द सज़ा भी मिलनी चाहिए। दोस्तों, अपडेट क्या आया है, आइए हम जान लेते हैं और उसके बाद चर्चा करते हैं। दोस्तों दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाईकोर्ट में याचिका पटवारी भर्ती की पूरी प्रक्रिया रोकना गलत, यानी कि हाईकोर्ट ने कहा है कि पटवारी भर्ती की जो पूरी प्रक्रिया रोकी गई है वो गलत है। भाई, जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, जहाँ पर लग रहा है कि इस केंद्र पर फर्जीवाड़ा हुआ है, तो उस केंद्र की जाँच की जाए। और उसके अलावा जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने इस ईमानदारी से परीक्षा को पास किया है, उनको ज्वाइनिंग दी जाए। तो दोस्तों क्या लिखा है कि पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी के बाद लगाई रोक को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस MS भट्टी की एकल पीठ ने राज्य सरकार, कर्मचारी चयन आयोग व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 31 अगस्त को यानी कि 21 अगस्त को होगी। जबलपुर निवासी प्रयागराज दुबे ने याचिका में बताया कि मैं EWS वर्ग से पटवारी चयन परीक्षा में शामिल हुआ। मुझे परीक्षा में 88.86 अंक मिले थे, इसलिए मुझे चयनित होने का भरोसा था। याचिका में दलील दी गई है कि CM ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। CM ने अपने एक बयान में खुद स्वीकार किया कि गड़बड़ी महज एक केंद्र में हुई है, ऐसे में एक केंद्र में गड़बड़ी की वजह से पूरी प्रक्रिया रोकना गलत है। जबकि शिवराज सिंह चौहान यानी कि मुख्यमंत्री CM ने भी इस गड़बड़ी को यानी कि जिस केंद्र पर हुई है उस केंद्र की गड़बड़ी को स्वीकार किया है, फिर भी पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाना बिल्कुल सही कहा है हाईकोर्ट ने कि यह पूरी तरह से अनुचित है, यानी कि गलत है। पूरी प्रक्रिया को रोकना कहीं से भी ठीक नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस तरह जो भी ईमानदार चयनित छात्र हैं, EWS से हैं या किसी भी कैटेगरी से हैं, वो भी अगर एक साथ जाते यानी कि यहाँ पर हाई कोर्ट में, तो शायद जल्द से जल्द यानी कि जो भी समस्या है आप सभी की आ रही है प्रक्रिया में, नियुक्ति प्रक्रिया में, वो जल्द से जल्द इसका निपटारा हो सकता था। लेकिन आप सभी लोग जाते नहीं हो। ये जबलपुर का एक छात्र गया है जो कि प्रयागराज दुबे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस याचिका को लगाया और आपके जो हाईकोर्ट ने कहा है वो बिल्कुल ही सही और स्पष्ट रूप से कहा है कि पटवारी भर्ती की पूरी प्रक्रिया को रोकना गलत है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है, नया अपडेट कैसा लगा है, जल्द से जल्द एक और पटवारी भर्ती परीक्षा को अपडेट लेकर आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।